हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बोर लॉग के बारे में। अब ये बोर लॉग होता क्या है उसके बारे में आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले कुछ चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप किसी भी काम को अगर कर रहे हैं तो उसका एक कंप्लीट और एक एक्यूरेट रिकॉर्ड बनाए। जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है या कुछ काम किया है, तो कोई भी काम का एक एक्यूरेट एक कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम जब सॉइल के अंदर, जब हम सॉइल एक्सप्लोरेशन के अंदर जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारी हेडिंग ही है बोर लॉग, तो जब हम बोरिंग करते हैं और जब हम बोर होल करते हैं, तो हर बोर होल का एक कोड नंबर होता है, ठीक है ना। हर लोकेशन के अंदर जितने भी बोर होल हुए हैं वो डन होते हैं तब जब आप एक्चुअल में उसका मेजरमेंट करते हो, उसके डिस्टेंस लेते हो, उसके एंगल फाइंड आउट करते हो एक रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है। तो जब आप बोर होल की बात करते हो तो जितने भी रिलेवेंट डेटा होते हैं बोरिंग में, तो उन सब का रिकॉर्ड आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है। अब उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती हैं उनके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपने किस डेप्थ तक बोरिंग की, उसका नॉलेज होता है वहाँ पे, उसका एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होता है। सॉइल की कंसिस्टेंसी क्या है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, कोन का पेनिट्रेशन टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, वाटर कंटेंट, हर वो चीज़ जो कि बोरिंग के टाइम पे इम्पॉर्टेंट होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, कंप्लीट डेटा बनाते हैं, और उसी डेटा को आप क्या बोलते हो, बोर लॉग बोलते हो, ठीक है। स्क्रीन के अंदर आपको एक इमेज देखने को मिल रही होगी। अब उस इमेज के अंदर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको कैसा दिख रहा होगा, 0.0 फिर 1 2 3 4 5 करके दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड लेवल से उस मिडिल तक के उस डेप्थ को शो कर रहा होगा। पहले आप 0 गए, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे गए, और साथ ही साथ बगल में आपको क्या बता रहा है, सॉइल बता रहा है। और सॉइल की अलग अलग कंडीशन, सबसे पहले लूज सॉइल, ऑब्वियसली ग्राउंड में लूज सॉइल होगी, फिर वहाँ पे सैंड और सिल्ट के बारे में बता रहा है, फिर डेंस सैंड के बारे में बता रहा है, फिर ग्रेवल के बारे में बता रहा है और हार्ड रॉक के बारे में बता रहा है। जैसे जैसे सॉइल चेंज हो रही है उसका सिंबल भी आपको अलग अलग देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ सॉइल के बगल में अलग अलग डेटा के बारे में बता रहा है, जैसे एन है यानी कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर, ठीक है, कितना आपने पेनिट्रेट किया, कितने नंबर ऑफ ब्लोज हुए, 300 mm के पेनिट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद आपका फाई बताया गया है, W बताया गया है, LL बताया गया और PL बताया गया है, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, वाटर कंटेंट। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी जब हम डेटा का एक रिकॉर्ड बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बोर लॉग बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।